जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार महज 2.5 रुपए की राहत देकर गैर बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोल रही है। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने पिछले दिनों बैलगाड़ी से चांदनी चौक पहुंचकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को घेरा था, मगर आप सरकार ने भी जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली घाटे में है, केंद्र को पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए कम करने चाहिए। तेल के दामों में रोज बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्र सरकार की 2.5 रुपए की राहत के बाद भी जनता तेल के खेल से बेहाल है। ये महंगाई जनता का तेल निकाल रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस सियासत में उलझी हुई है। केंद्र सरकार ने मामूली राहत देकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बैलगाड़ी में बैठकर चांदनी चौक में सरकार को घेरने वाले केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मंगलवार को भी साइकिल पर सवार होकर आपके खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य सरकारों की तरह केजरीवाल सरकार को भी वैट घटाकर तेल के दाम कम करने चाहिए। वहीं बीजेपी के इस हमले पर केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि तेल पर केंद्र को ही फंसा दिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही घाटे में है, 2.5 रुपए भी आप राज्यों से सस्ता करा रहे हो, जबकि आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जो 10 रुपए केंद्र ने बढ़ाया था उसको सस्ता करने में क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों केजरीवाल ने भी कहा था कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया और मात्र 2.5 रुपए कम किया, तो ये धोखा हुआ। केंद्र सरकार को कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की कमी करनी चाहिए। तेल पर केंद्र राज्य सरकार को घेर रही है और दिल्ली सरकार केंद्र पर सवाल दाग रही है। इस सियासी खेल के बीच बेचारी जनता पिस रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुँचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।